आज हम अरबी के पत्तों के रोल बनाएंगे। अरबी के पत्तों के रोल को पतौड़े पात्रा कई नामों से जाना जाता है। आज हम अरबी के रोल की बड़ी आसान विधि लेके आए हैं, जिसे आप फटाफट बना के तैयार कर लेंगे और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। नमस्कार, मैं प्रीति प्रीति सेफ्रॉन में आपका स्वागत करती हूँ। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम देखते हैं कि अरबी के पत्तों के रोल कैसे बनाते हैं। अरबी के पत्तों के पतौड़ बनाने के लिए मैंने लगभग 25 अरबी के पत्ते लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से पानी से धो लिया है। अब हम इनको काटेंगे। अब हम पत्तों को काटेंगे। अब हम 2-3 पत्ते ले लेंगे और इस तरह से फोल्ड करके फिर बारीक बारीक काट लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम सारे पत्ते काट के तैयार करेंगे। पत्तों को हमने बारीक काट लिया है। अब हम इसमें 2 कप बेसन डालेंगे। ये मैंने 2 हरी मिर्च बारीक काट ली थी, इनको भी डाल देंगे। एक टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून सौंफ पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अभी हम पानी नहीं डालेंगे। अब हम इसमें आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक डो की तरह बनाएंगे, क्योंकि हम पानी कम यूज करेंगे, क्योंकि पत्तों में भी मॉइस्चर होता है। बेसन और पत्तों को हमने मिक्स कर लिया है। इसमें थोड़ा बेसन कम लग रहा है, इसमें हम लगभग 1/2 कप बेसन और डालेंगे और एक डो की तरह हमें तैयार करना है। बेसन और पत्तों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम पत्तों को थोड़ा सा लेकर सिलेंड्रिकल शेप में रोल बनाएंगे। इस तरह से इसी तरह से हम सारे रोल बनाएंगे। हमने पत्तों के रोल बना लिए हैं। अब हम स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए अब हम एक पैन लेंगे। पैन में हम पानी डाल देंगे। गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और फिर अब हम इन रोल को एक चलनी में रखकर इसके ऊपर रख देंगे। दूसरी चलनी हो तो आप दूसरी भी रख सकते हैं, नहीं तो एक बार में जितने आए उतने कर लें और इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और रोल को हम 20 से 25 मिनट तक स्टीम करेंगे। अब हम रोल चेक कर लेते हैं। रोल को रखे हुए 25 मिनट हो गए हैं, रोल हमारे स्टीम हो गए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर ठंडा करेंगे, जिससे हमारे रोल सेट हो जाएंगे। रोल हमारे सेट हो गए हैं। अब हम रोल को चाकू की सहायता से काट लेंगे। इस तरह से हम सारे रोल काट के तैयार करेंगे और फिर फ्राई करेंगे इन्हें। रोल्स को हमने काट के तैयार कर लिया है। अब हम एक पैन में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लेंगे। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून जीरा डालेंगे, चुटकी भर हींग डालेंगे, चौथाई टीस्पून हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मिर्च आप अपने अनुसार ही डालें, क्योंकि हम लोगों ने पत्तों में भी डाली है मिर्च।
अब हम इसमें रोल डाल देंगे जो हमने काट के तैयार करे हैं। चौथाई टीस्पून हम भुना जीरा पाउडर डाल देंगे। नमक भी हम बहुत थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि हमने रोल बनाने में डाला है। अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने मसालों को अच्छे से मिला लिया है। अब हम लिड लगाकर 2 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे जिससे मसाले हमारे रोल में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब हम रोल चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारे मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, चौथाई टीस्पून। इसको भी मिक्स कर देंगे। अब हमारे अरबी के रोल सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। अरबी के रोल हमारे बनके तैयार हैं। आप इनको चाय के साथ स्नैक्स में सर्व कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम अगली रेसिपी के साथ आपसे मिलते हैं। नमस्कार।